तो हे गाइस, दिस इज विकी कुमार सना फ्रॉम वीकेएस टेक्निकल्स। तो स्वागत है आप सभी का एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो यार, आज की वीडियो में एक बड़ी खबर लेकर के आप सभी के लिए, सारे गेमर्स के लिए। तो अभी तक पबजी के ऊपर बहुत सारी खबरें सुनने को आई थी। कोई बोल रहा है कि अनबैन हो गया, कोई बोल रहा है एयरटेल के साथ पार्टनरशिप कर रहा है, कोई बोल रहा है जियो के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। तो ये सारी खबरें झूठी हैं। मैं आपके लिए एकदम ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आया हूँ, एक कन्फर्म खबर है। तो इस वीडियो में आगे बने रहिए, हम जानते हैं क्या ब्रेकिंग न्यूज़ है हमारी पबजी से रिलेटेड। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, जैसा आप सभी को पता होगा कि जो हमारा प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड है, जिसे आप पबजी बोलते हो, वो बेसिकली एक पीसी गेम था जो कि पबजी कॉरपोरेशन या फिर क्राफ्टन गेम्स के अंदर आता था। और वो एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, वो एक कोरियन, साउथ कोरियन बेस्ड कंपनी है। तो लेकिन वो पीसी में इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया कि उन्होंने, उनको वो गेम फ़ोन में लॉन्च करना था, मोबाइल फ़ोन में, क्योंकि हर इंसान पीसी अफोर्ड नहीं कर सकता, हर इंसान उस गेम को नहीं खेल सकता था। तो उन्होंने सोचा क्यों ना उसका एक फ़ोन वर्जन बनाया जाए, जिसके लिए उन्होंने चाइना की कंपनी, चाइना की पेरेंट कंपनी टेंसेंट गेम्स, उसको अप्रोच किया। और फिर उन्होंने टेंसेंट गेम्स के साथ मिल करके पबजी मोबाइल करके गेम निकाला। और पबजी मोबाइल लाइट, इन दोनों को आप जानते हो, ये दोनों गेम निकाला। और अभी आपको देखो, जैसा कि पता होगा कि इंडिया चाइना कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो उस पर गवर्नमेंट ने प्राइवेसी इशू रिलेटेड से, क्योंकि चाइना वैसे ऑनर के केस में, हुआवे के केस में, और ऐसे बहुत सारे केस में प्राइवेसी के चक्कर में पकड़ा जा चुका है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐप्स को बैन कर दिया था, जिसमें कि एक पबजी मोबाइल भी था। क्योंकि उसमें भी ऐसा बताया जा रहा था कि हमारा जो इंडिया का डेटा बेस है, उसको चाइना अपने काम के लिए मिसयूज़ कर रहा है, तो उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने उसे बैन कर दिया, जो कि एक बहुत ही अच्छा स्टेप था। लेकिन क्योंकि वो पबजी एक साउथ कोरियन कंपनी है, उससे लॉस टेंसेंट को भी हुआ, पर पबजी को उससे बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। इसलिए उन्होंने जस्ट उसके कुछ एक हफ्ते दो हफ्ते बाद उन्होंने अपने टेंसेंट से इंडिया में लिंक तोड़ दिया। मतलब उन्होंने ऐसा फैसला किया कि इंडिया में जो गेम आएगा वो टेंसेंट से हट करके आएगा। पर उसके ऊपर भी अब अड़गंगाएं आती रही कि मतलब कौन सी कंपनी के साथ वो पेयर अप करेंगे, कौन सी कंपनी के साथ आएगा पबजी। पहले जियो के साथ हमारी बात आई कि जियो पबजी आने वाला है, फिर एयरटेल के साथ बात सामने आई कि एयरटेल के साथ आने वाला है। पर जो अभी की ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, उसके हिसाब से तो मतलब उन्होंने ऐसा कहा जा रहा है, मतलब कहा नहीं जा रहा है, ये कन्फर्म न्यूज़ है। और इसे पबजी ने खुद कन्फर्म किया है कि उन्होंने इंडिया के लिए सिर्फ नहीं, मतलब पूरे ग्लोबली उन्होंने टेंसेंट के साथ अपने सारे लिंक्स ब्रेक कर दिए हैं। मतलब अब ये गेम बेसिकली प्योरली एक साउथ कोरियन गेम बन चुका है। उन्होंने अपने सारे रिलेशनशिप टेंसेंट के साथ ख़त्म कर दिए हैं, टेंसेंट गेम्स के साथ। और उन्होंने अभी एक नया पार्टनर ढूंढा, जिसका उन्होंने लॉन्च भी कर दिया है, जो कि बेसिकली एक US बेस्ड कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, उसका तो पार्टनरशिप करने वाले हैं। तो गेम हो जाएगा साउथ कोरियन, और जो हमारा पेरेंट कंपनी हो जाएगा वो बेसिकली हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, जो कि एक US बेस्ड कंपनी है। तो मतलब ये पूरी तरीके से इसके चाइना के साथ लिंक हट जाएंगे। और अभी अगर लॉन्च डेट या फिर रिलीज़ की बात की जाए, तो अभी ऐसा कहा जा रहा है कि इस मंथ के एंड तक वो मतलब डेटा लेने, डेटा एक्सचेंज करेंगे अपना टेंसेंट के पास से, पूरा इंडियन सर्वर्स में वो डेटा अपलोड किया जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट, मतलब बेसिकली दिसंबर 15th आप मान लो, वहाँ तक कि इसका पूरा गेम लॉन्च हो जाएगा वापस। और ऐसा कहा जा रहा है कि मतलब वापस ये पबजी के नाम से तो शायद ना, या फिर कोई और भी नाम से आ सकता है, ऐसे कन्फर्मेशन नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारा मतलब प्रेशराइज बना था। गेम आपका वही रहेगा, शायद नाम चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे। और ऐसा एक और खबर ये भी है कि मतलब जो पबजी बेसिकली है, उन्होंने जितने बड़े बड़े स्ट्रीमर्स रहते हैं, जैसे मॉर्टल, मैक्सटन, इन सबको एक खबर भी दे दी है कि वापस गेम लॉन्च होने वाला है, जो कि एक बेसिकली न्यू ईयर गिफ्ट या फिर आप इसे दिवाली गिफ्ट की तरह मान लो। तो ऐसे एक सरप्राइज़ रखा गया है। अभी हमारे पास बस इतनी खबर है, और ऐसा कन्फर्म है कि लॉन्च होने वाला है गेम। अब कब लॉन्च होगा ये नहीं पता, December 15th तक मे बी न्यू ईयर में लॉन्च हो जाए, पर कन्फर्म है कि लॉन्च होगा। तो यही था आज के इस वीडियो के लिए, मैंने आपको अपनी ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी है। तो वीडियो में आगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। तो तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।